क्लास 8th चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन 13.1 दे विच सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन दे ने ते 13.2 च सारे इनवर्स प्रपोर्शन दे ने। डायरेक्ट प्रपोर्शन समान अनुपाती, इनडायरेक्ट इनवर्स उल्ट अनुपाती। डायरेक्ट प्रपोर्शन दे विच की हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल है थे, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इनक्रीज द टोटल कॉस्ट अलसो इनक्रीज। सैकेंड पॉइंट है मोर द मनी डिपॉजिट इन ए बैंक मोर इज द इंट्रस्ट अर्नड, मतलब कि जे चीज़ा की नंबरिंग बढ़ती जाऊगी तो कॉस्ट भी बढ़ती जाऊगी। तो इतने मैं एक एग्जाम्पल दस दिया थानूं, मान लो वन कॉपी की कॉस्ट है जी 10 रुपीज़ है, तो टू कॉपी की कॉस्ट 20 रुपीज़, थ्री कॉपी की कॉस्ट 30 रुपीज़। मीनस जिमें जिमें कॉपीज़ की नंबरिंग बढ़ती है सेम एज लाइक ए कॉस्ट भी वो इनक्रीज़ होंगी जाती है। इदा ही जे लैस होंदिया जाएगी क्वांटिटी तो जी कॉस्ट वह भी लैस होंगी जाऊगी। तो इदा के जोड़े क्वेश्चन होंगे वह डायरैक्ट प्रपोर्शन के होंगे। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जिज नीयर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स 60 रुपीज़, 8 आवर्स 100 रुपीज़, 12 आवर्स रुपीज़ 140, 24 आवर्स रुपीज़ 180। ये टाइम दिता हुआ तो पार्किंग दे नाल रुपीज़ दिते हुए ने कि 4 घंटे वड्डी पार करते हैं तो 60 रुपीज़ होने, 8 घंटे पूरे करते हैं तो 100, 12 है तो 140। तो पहले देखना चेक इफ द पार्किंग चार्जिज आर इन डायरैक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। इन्हों चेक करना भी कि यह जड़े आवर्स ने जो टाइम है जोड़ा वह अमाउंट के अकॉर्डिंग डायरैक्ट प्रपोर्शन है। तो इन आप सॉल्व करते हैं, 4 आवर्स रुपीज 60 ने, तो आप 1 आवर्स का फाइंड कर लेंगे, 60/4 कटिंग हो जूगा 15 रुपीज़। सेम आप बाकियों का भी सॉल्व कर लेंगे, 8 आवर्स रुपीज़ 100, 1 आवर्स 100/8 कटिंग करांगे 4 दे टेबल ते, पॉइंटा च आजूगा डिवाइड करके 2 ते। जे ये सेम आ गए ठीक है, हम देखो यदा ही आपां कीता तां सेम नहीं है, तो अगे सेम अगे कर लैने 140/12 टू द टेबल ते, फिर टू ते, फिर कर लें 24 आवर्स 180/24 सिक्स द टेबल ते, 6 3 दा 6 4 दा, फिर टू द टेबल ते। सारे आंसर ने जोड़े वो डिफरेंट आए हैं ठीक है, यद 15 रुपीज़ है, 12.5 है, 35/3 है, 15/2, सो इट इज़ नॉट इन डायरैक्ट प्रपोर्शन। तो आंसर आजूगा नो, मतलब कि सारे का आंसर आना है नो। सैकेंड क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो ये जड़े टेबल दिता हुआ उस ब्लैंक्स दिखाई हुई ने आप फाइंड करनिया ने डायरैक्ट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग फाइंड करा। इतने आ गए पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट नीचे हैगा पार्ट्स ऑफ बेस, वन पार्ट है 4 7 12 20 8 x1 x2 x3 x4, ये सारे फाइंड करने, ये सारे ब्लैंक्स ने। तो इतने लिखे ही हुआ ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस, बेस फाइंड करने सारे। देखो इतने 1 पार्ट सेगा तो 8 पार्ट बेस देने, हम जो 4 पार्ट ने
रेड पिगमेंट दे मोर हो गए तो ए भी मोर हो जूगा, ए सैवन भी मोर है वन नालों तो अगे एक्स टू भी मोर हो जूगा सेम। मतलब कि यही ज हम डायरैक्ट प्रपोर्शन भी यही होंगे कि जे ए वाली वैल्यूज़ ने जड़िया मोर ने या लैस ने, ठीक है इतने हूँ मोर ने तो ये भी जेडे पार्ट ने जी जी वैल्यू आ ये भी मोर होंगी जाए, ठीक है जो हम वन सीगा एट आ गया, फोर का होर मोर आजगा, सैवन का होर मोर आजगा, ट्वेल्व का भी सेम इन की वैल्यू भी मोर मोर आऊगी, जिते लैस हो जाए तो यह भी लैस लैस आए, ठीक है तो यह होंगे डायरैक्ट प्रपोर्शन। जे एक दे विच मोर हो एक दे विच लैस, इतने लैस हो इतने मोर, मतलब उल्ट होन ता होगा इनवर्स पोर्शन। 13.1 दे विच सारे क्वेश्चन ने जोड़े हो डायरैक्ट प्रपोर्शन देने। हुण प्रॉपर पेपर दे विच मिक्स आते हैं कि पता 13.1 चो आना कि 13.2 चो आना, तो वह तुहानू देखना पैना है कि डायरैक्ट प्रपोर्शन है कि इनवर्स प्रपोर्शन है। तो डायरैक्ट प्रपोर्शन की पहचान की है, जे वैल्यूज़ बढ़ रही ने ठीक है तो ये भी वैल्यूज़ बढ़ रही ने, जे ए वैल्यू घट रही ने ए भी वैल्यू घट रही ने तो डायरैक्ट प्रपोर्शन, जे ए वैल्यू बढ़ रही आ ये घट रही आ, ए वैल्यू घट रही आ ये बढ़ रही आ तो होगा मतलब उल्ट ने जे, फिर होगा इनवर्स प्रपोर्शन। हुण इन्हां दी वैल्यू किवें फाइंड करनी है, सिंपल फाइंड करनी है, वन अपॉन एट फोर अपॉन एक्स वन, क्योंकि यह डायरैक्ट प्रपोर्शन है, इतने मैं लिखता डायरैक्ट प्रपोर्शन, इन्हें मल्टीप्लाई कर लाँगे, वन मल्टीप्लाई एक्स वन, फोर मल्टीप्लाई एट, एक्स वन आजगा 32, तो एक्स वन की वैल्यू आ गई 32, ये वाली वैल्यू 32 सेम है आजगी, वन अपॉन एट फस्ट पार्ट हो गया, ये सैकेंड, सैवन अपॉन एक्स टू, इन्हें इधर मल्टीप्लाई करना, इन्हें इधर डायरैक्ट प्रपोर्शन के ये पौने ला लेना, ये पौने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वन मल्टीप्लाई एक्स टू इक्वल सैवन मल्टीप्लाई एट, तो यह आजगा 56, तो यह आजगा 12 एट का 96, यह आजगा 160, मतलब कि इतने वन सीगा तो करके मल्टीप्लाई हो गई जी वैल्यू आऊगी वह आंसर आ जानी 56 96 160 ये सारे आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है सैकेंड के बीचों ही करना है, इन क्वेश्चन टू अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, यद आप सेम ही टेबल बना लें तो इतने आ जाएंगे पहला पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स, इतने आजगा पार्ट ऑफ बेस ऑफ रेड पिगमेंट वन पार्ट्स ऑफ बेस 75, तो ये वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट पार्ट ऑफ बेस ने 75 हैगा, तो ये बेस डायरेक्ट प्रपोर्शन, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, हुण बेस दिता होया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये फाइंड करना, जिहड़ा फाइंड करना उहनूं तुसीं एक्स लिखो, एक्स मल्टीप्लाई 75, एक्स दी वैल्यू फाइंड करनी है, 75 पहुंचा जो कटिंग कर दे। थर्ड क्वेश्चन अपन सैकेंड दे विचों ही करना, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ बेस वन पार्ट रेड पिगमेंट 75 मिलीलीटर बेस, बेस फाइंड करना एक्स, बेस हैगा 1800, देखो ये वन पार्ट है 75 तो 1800 है तो यह भी मोर ही होगे रेड पिगमेंट भी, तो यह होगा डायरैक्ट, ये भी मोर है तो यह भी मोर हो गया डायरैक्ट प्रपोर्शन, तो डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच वन अपॉन 75 एक्स अपॉन 1800 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, 75 मल्टीप्लाई एक्स, 1800 मल्टीप्लाई वन, एक्स इक्वल 1800 वन, 75 पहुँच जा जो कटिंग करांगे, पहला 5 दे टेबल दे कटिंग कर देने, 5 वन द 5 5 द 25, फिर 5 दे 5 3 द 15, 5 6 द 0,
फिर 15 दे टेबल ते कटिंग 15 टू द 30 15 फोर द 60 तो एक्स की वैल्यू होजू 24 पार्ट्स तो इतने आप चैक कर लें 1/75 आ तो इतने आप 24/1800 ला के कटिंग कर लें 6 के टेबल पर कटिंग करा 6/4 द 24 6/3 द 18 फिर 4 से कटिंग कर दें 4/1 द 4 4/7 द 28 4/5 द तो दोनों 175 आ गए तो कि हो गया डायरैक्ट प्रपोर्शन चैक तुम हरेक च नहीं करना सिर्फ तुम समझाया। फोर्थ क्वेश्चन ए मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। हुण तुसीं इह लिखणे किवें ने इह क्वेश्चन दे विचों ही लिखणे ने हरेक दे विच इदां टेबल बनाउणा है। हुण इत्थे एक दा लिखिया होया नंबर ऑफ बॉटल्स एक हैगा टाइम इन 6 आवर्स टाइम इन आवर्स 840 बॉटल्स ने जिहड़ियां वह फिल हुंदियां ने 6 आवर्स दे विच SIX 6 लिखिया होया। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स 5 भी नंबर्स दे विच नहीं लिखिया होया वर्ड्स दे विच लिखिया होया तो 5 आवर्स तो नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी इन्हें आप एक्स लिख लेना जोड़ा फाइंड करना उन्होंने एक्स लिख लेना। ठीक है हम देखो पहला 6 आवर्स दे विच फिल होंगे सी 840 बॉटल हूँ 5 आवर्स नहीं पहला 6 आवर हूँ 5 की हो गया दे लो लैस तो बॉटल भी की हो गया लैस दोवें लैस लैस हो गए जो दोवें लैस ने तो की होगा डायरैक्ट प्रपोर्शन डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच 840/6 X/5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तुम हरेक दे विच की करना एक्स में इधरले पासे लिख लेना 6 मल्टीप्लाई एक्स 840 मल्टीप्लाई 5 हुण एक्स की वैल्यू फाइंड करनी इसलिए 6 में इधर पहुँच लिया के कटिंग कर देना एक्स इक्वल 840 मल्टीप्लाई 5/6 6 से कटिंग हो जूगा 6 बन दा एक्स की वैल्यू आ जूगी 140 5 से मल्टीप्लाई करांगे 700 बॉटल्स आंसर आ जूगा। बहुत ही ईजी है ये 13 चैप्टर सारे क्वेश्चन है डायरैक्ट प्रपोर्शन दे ने ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम्स एंटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सेकंड इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। फिफ्थ क्वेश्चन फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज फिफ्टी थाउजेंड टाइम मतलब इन्ने टाइम आ। ठीक है एंटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इफ लेंथ 5 सेंटीमीटर देन एक्चुअल लेंथ इक्वल फाइव अपॉन 50,000। देखो 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो आप एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है कितनी है तो 5/50,000 आ जाएगा कटिंग कर देंगे तो यह आ गया 1/10,000 क्योंकि यह आंसर पावर दे विच दिता है तुसी इदा भी लिख सकते हो 10 की पावर 4 4 जीरोज़ ने
तो आजगा 1 × 10 की पावर -4, चाहे तुम ये लिख लो चाहे 10 × -4, एक तो यह आंसर होगा एक्चुअल लेंथ। ठीक है, हूँ आप फाइंड करना, दो पॉइंट ने दे लेंथ ऑफ बैक्टीरिया लेंथ ऑफ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा हैगा लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि फोटोग्राफ च उहदी लेंथ ज़्यादा है, एक्चुअल दे विच जिहड़ी हैगी इत्थे एक्चुअल लिख लैने आ, फिफ्टी थाउजेंड टाइम है तो 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ आ। हुण जे 20,000 है फोटोग्राफ की तो यह आप फाइंड करना, जोड़ा फाइंड करना उन्हों एक्स। हम देखो इतने 50,000 है, इतने 20,000 है, पहला मोर से हूँ लैस हो गया, तो जी लेंथ वो भी की आऊगी लैस, ये भी की आजगा लैस, जे इतने मोर हों भी की आ जाना सी मोर, तो कि हो गया डायरैक्ट प्रपोर्शन, डायरैक्ट प्रपोर्शन के अपॉन चला लेना, हुण एक्स इधर आए नूं इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनू इधर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, चार जीरो कट हो जाएंगे, 5 × 5 कटिंग हो जूगा तो यह आजगा 2, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो मीटर है तो मीटर, ने भी ये सेंटीमीटर है, एक ही आंसर आजगा इसका। सिक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम ने, सिक्स क्वेश्चन है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर हाउ लोंग इज द मॉडल शिप। इतने शिप दिता हुआ मास्ट की होंगे जोड़ा वो उपर एक कागज़ जो लगे होंगे ना, ये मॉडल द मास्ट हों, ठीक है, जोड़ा कपड़ा जहा लग्या हों, मास्ट की जी हाइट आ मॉडल दे विच वो हैगी 9 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल दे विच जी मॉडल जो शिप है जोड़ा वो जी मास्ट की हाइट आ हो गई 12 मीटर, तो जे शिप की मास्ट की लेंथ आ जी 28 मीटर हो तो हाउ लोंग इज मॉडल शिप, तो मॉडल जोड़ा शिप होगा वह किन्नी लेंथ होगी, वो टेबल बनाने आप लेंथ ऑफ मास्ट ऑफ ए मॉडल शिप लेंथ ऑफ मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, एक असल दे विच आ, ठीक है, शिप एक मॉडल बनया हुआ, हम देखो ये शिप बनया हुआ, ठीक है, मैं तो एक ओनली बनाने तो ये जड़े लगे हुए ने ना ये वाले लगे हुए ने इदा ये मास्ट ने, हुण इहदी जिहड़ी हाइट हैगी आ 9 सेंटीमीटर आ ते ये 12 मीटर, इन्हां नूं तुसीं कन्वर्ट नहीं करना, सेम इदां ही रखना है, ठीक है, ये सेंटीमीटर रहणगे मीटर ही रहणगे। इफ लेंथ ऑफ शिप, देखो ये पहला 12 सीगा, ये 28 हो गया, हुण ये हैगा 9,
9 12 तो की हो गया लेस, तो ये भी जी मॉडल की लेंथ होगी भी की होगी लैस, तो इतने आ जाऊगा लैस लैस। ठीक है, ये कंपेरिजन करना, ये 12 सीगा तो 28 है, हूँ जो 9 है ये लैस हो गया तो भी लैस होगा, तो डायरैक्ट प्रपोर्शन मे बी तुम सारे डायरैक्ट प्रपोर्शन पता लग गया होगा, 9.12 एक्स पॉइंट 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर उ एक्स में इधर लिख लेना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 ते टेबल ते 3 3 का 9, 3 4 का 12, 4 1 का 4, 7 का 28, तो एक्स की वैल्यू 21। देखो इतने ये मीटर दे विच है, तो 9 देख लें आप कहते। ठीक है, मेरे को क्योंकि बुक नहीं हैगी, पहले मैं डाउनलोड की हुई है, तो पहले मैं दूजे फोन के देखती हाँ भी किन्नी हैगी है स्टेटमेंट, फिर मैं इनू सॉल्व कर दी। ओके, तो ये 9 सेंटीमीटर सीगा तो यह भी 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। सैवंथ क्वेश्चन, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल, 9 × 10⁶ है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इदा करके।